मातृ वंदना सप्ताह के तहत आज हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसको उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं को बेटी के महत्व पोषण आहार से संबंध में जागरूक किया। इस मौके पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर सेल्फी स्टैंड भी स्थापित किया गया, जहां गर्भवती महिलाएं सेल्फी ले सकेंगी। उपायुक्त हमीरपुर ने महिलाओं के साथ सेल्फी लेकर व हस्ताक्षर करके इस पॉइंट का शुभारंभ किया। उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि रैली के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाएँ के अलावा नवजात शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही मातृ वंदना योजना का लाभ उठाएंगी। आज 1 सितंबर 2021 को हमने अपने ज़िला हेडक्वार्टर से हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई मातृ वंदना योजना के बारे में जागरूकता अभियान को छेड़ने के लिए यहाँ से एक महिलाओं की और बेटियों की रैली को हरी झंडी दिखाई है और सभी को इस रैली के द्वारा ये संदेश दिया जाएगा कि मातृ शक्ति की जो सुरक्षा है, मातृ शक्ति की जो स्वास्थ्य है, जो उनका वेलफेयर है, ये हम सभी के लिए बहुत अहम है और हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी अहम एक चीज़ है। और हम आशा करते हैं कि सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं और जो होने वाली माताएं हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो इस मातृशक्ति योजना, मातृ वंदना योजना का भरपूर लाभ उठाएं और अपने पोषण का, अपने स्वास्थ्य का देखभाल जो है भरपूर तरीके से। उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि प्रदेश में आज से ही पोषण माह भी शुरू हुआ है, जिसके तहत बच्चों को पौष्टिक आहार और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने के साथ साथ पारंपरिक आहार की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि बच्चों में एनीमिया और आयरन की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है और इसे बाल्यकाल से ही शुरू करने पर अब बल दिया जाएगा। माह जो पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसका भी आगाज़ आज ही इस फ्लैग ऑफ रैली के साथ किया गया है। और स्वास्थ्य रहना, अब पौष्टिक भोजन लेना और बचपन से ही सही सही डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो बच्चों का, वो फुलफिल करना, ये बहुत एक अहम जो है एक मुद्दा है। और अगर हमारे बच्चे बचपन से ही पौष्टिक आहार और पौष्टिक भोजन से पलेंगे बढ़ेंगे तो आगे को वो हेल्दी इंडिविजुअल्स बनेंगे। जो छोटी लड़कियां हमारी बच्चियां हैं, उनमें भी जहां तक अनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी की दिक्कतें जो हैं कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं, या कई बार बहुत मतलब पढ़े लिखे और वेल टू डू फैमिलीज़ में भी इस तरह की जो डेफिशिएंसीज कई बार दिखी जाती हैं, क्योंकि आजकल हम लोग ऐसे आहार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जैसे फास्ट फूड हो या इस तरह की चीज़ें हो, जिसमें पोषण कहीं ना कहीं हमारा जो मेन मुद्दा रहता है खाने पीने का बचपन में, वो कहीं ना कहीं बैकसीट ले रहा है। तो हमारा इस पूरे रैली के और पोषण महा से ये संदेश रहेगा सभी को कि पौष्टिक आहार और बचपन से ही कैसे बच्चों को के पालन पोषण में जो हमारे ट्रेडिशनल पौष्टिक भोजन है उनका जो है समन्वय स्थापित।